व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये मेरे हाथ में एक कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, जो हमारे सामने पूरा कंप्यूटर होता है उसके अंदर ये बोर्ड फिट होता है। आज हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि इन बोर्ड को हम आसानी के साथ तोड़ सकते हैं या एक नॉर्मल इंसान पूरा जोर लगाने के बावजूद भी इसको तोड़ नहीं सकता। तो इस सिलसिले में हमने तीन बंदों को दावत दी है। ये हमजा भाई हैं, ये शाजमान भाई हैं, आईटी के साथ इनका लिंक है, ये मोहम्मद हसैन भाई हैं। तो आप तीनों बंदों का जो जुस्सा देख लें कि तीनों माशाल्लाह पावरफुल नजर आ रहे हैं, यंग हैं, तो हमसे ज्यादा ये जोर लगा सकते हैं। तो इन मदरबोर्ड के ऊपर एक लोगो लगा होता है FCC, फेडरल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। ये अमेरिकन कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को तब अप्रूव करती है जब उनकी तसल्ली होती है कि ये इतनी नाजुक तो नहीं है, ये पायदार है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये उसके बाद पास होने के बाद ये सेल के लिए मार्केट में आता है। तो इसके लिए हमने थोड़ी सी शर्त रखी है बोर्ड को तोड़ने के लिए। देखिए, ना तो हमने इसको बॉडी के साथ जोर लगा के, बॉडी के साथ टेक नहीं देनी इसको, या इसको नीचे रख के जोर नहीं लगाना, इसको हाथों में लेके हाथों की ताकत से जितनी बार हम जोर लगा सकते जितना भी पूरा जोर लगा के इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे ये तीनों पहलवान। तो मैं तीनों को दो दो बोर्ड दे रहा हूं और इनको फ्री टाइम है, ये जितनी देर मर्जी जोर लगाएं और इन तीनों में से कौन सा बंदा दोनों बोर्डों को तोड़ता है, कौन सा बंदा एक बोर्ड को तोड़ता है या कोई बोर्ड इनसे नहीं तोड़ता, ये आप लाइव अभी ये देखेंगे। ये दो बोर्ड हमजा भाई के पास आ गए, इनके सामने ये शाहजमान के सामने आ गए, ये मोहम्मद हसैन भाई के सामने आ गए। ये चाहे तो अपनी स्ट्रेंथ आपको शो करवा सकते हैं कि इनके बाजुओं में कितनी ताकत है। वाह, क्या बात है, वाह शाहजमान भाई, वाह। तो ये मैं इनको स्टार्ट करवाने लगा हूं, टाइम इनके पास अनलिमिटेड है, एक सेकंड में तोड़े या 10 मिनट में तोड़े। तो 1 2 3 लो जी, मुकाबला शुरू हो गया है। दो दो बोर्ड हैं और हर जाविये से जोर लगाया जा रहा। देखिए, शाहजमान भाई ने बोर्ड को तकरीबन टेढ़ा कर दिया हुआ है, लेकिन ये अंग्रेज इनको हम मुगल कहते हैं, लेकिन इनकी बनी हुई चीजें देख लें कि ये सिंपल प्लास्टिक, अगर ये प्लास्टिक आम प्लास्टिक होता तो ये टूट गया था, इसकी जान निकल जानी थी इस प्लास्टिक की, लेकिन यहां पे मामला उल्टो हो रहा है कि ये तीन बंदे तीनों बिल्कुल पावरफुल हैं और ये अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि बोर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको दुश्वारी पेश आ रही है। हो सकता है ये बोर्ड को तोड़ दे, लेकिन फिल वक्त तक तीनों में से एक बोर्ड भी नहीं टूटा, अभी एक एक बोर्ड इनका बाकी है और मुझे लग रहा है हमजा भाई का बोर्ड तकरीबन 90% टूटने के करीब है, या शायद टूट नहीं, वो नहीं टूटा, लचक है इसमें, लचक काफी ज्यादा है। शाहजमान भैया के अंदर से कोई आवाज आई है टिक की, लगता है इनकी कोई छोटी मोटी हड्डी ब्रेक हो गई है, काफी जोर से आवाज आई है। ले गए मोहम्मद हसैन भाई, ले गए भाई, मोहम्मद हसैन भाई ने जान निकाल दी बोर्ड की, बोर्ड की चीखें निकल रही हैं। वाह 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 वाह, वा, गया 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 गया, ले गया मोहम्मद हसैन, ले गया भाई, ले गया, वाह 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 वाह, बोर्ड की चीखें निकली हैं, बोर्ड माफियां मांग रहा है मोहम्मद हसैन से कि मेरी जान छोड़ दो। अभी देखें कि टाइम का शाहद भाई को अंदाजा है कि कितना टाइम हो गया है, 5-4। इनकी ईमानदारी देखें, मदरबोर्ड बनाने वालों की और पास करने वालों की ईमानदारी देखें। हालांकि ये इसलिए नहीं बना कि इस पे जोर आजमाई की जाए तो ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये तो हमारे चलाने के लिए बना है कि हम अपनी विंडोज इंस्टॉल करें, एप्लीकेशन चलाएं, सॉफ्टवेयर चलाएं, उस चीज के लिए बना है, लेकिन साथ में इसकी मजबूती देखें। मैं तो हैरान हूं कि अगर इसकी जगह पे इनको कोई प्लास्टिक पकड़ा दिया जाए तो ये बिल्कुल इन्होंने चंद सेकंड के अंदर अंदर तोड़ लेना था। अब अगर आपसे ये बोर्ड नहीं टूट रहा तो इसमें हमने कोई ट्रिक नहीं लगाया, वो आप दूसरा बोर्ड पकड़ के ट्राई कर सकते हैं।
तीनों बंदे बोर्ड चेंज कर लें, नए बोर्ड पे ट्राई करके देख लें। हमने इनको यक्षा एक ही किस्म के बोर्ड दिए हैं और ये कंप्यूटर के नॉर्मल मदरबोर्ड हैं जो कि हर कंप्यूटर में ये फिट होते हैं। हमने नॉर्मल इनको बोर्ड दिए हैं और तीनों को फुल चांस दिया है कि ये जितना जोर लगा सकते हैं, कोई इनको लिमिट नहीं है। ये चाहे तो कल सुबह तक जोर लगाते रहे। हम एक्चुअल ये एक्सपेरिमेंट करके बताना चाह रहे हैं कि ये मदरबोर्ड जो मेरा ख्याल है ये FCC ने जो ऊपर अपना लोगो लगाया है उसकी उसने लाज भी रखी है, उसने इसको अप्रूव किया है। अप्रूव ऐसे नहीं कर दिया, उन्होंने इसको चेक किया है हर लिहाज से। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें मार्केट में ऐसे ही नहीं आ जाती, इनका एक मियार होता है। मुझे नहीं पता अब इसमें प्लास्टिक के साथ क्या चीज मिक्स की गई है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा मजबूत हो गया। देखें ये फोकस कीजिएगा, शादमान भाई का पसीना निकलना शुरू हो गया है, उनके माथे से पसीना मुझे नजर आ रहा है और मोहम्मद हसैन भाई का भी पसीना निकलना शुरू हो गया, हमजा भाई का भी पसीना निकलना शुरू हो गया। मतलब इन लोगों का जोर लग रहा है, इन्होंने जोर अपना पूरा लगाया। ये बोर्ड की भी शक्ल देखें, ये हमजा भाई के पास जो बोर्ड है ये टेढ़ा हो चुका है लेकिन टूटने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। शादमान भाई देखें ये कितना उनके बाजू कांप रहे हैं जोर लगाते हुए। देखें ये जोर लगा रहे हैं तो उनके बाजू ऐसे कांप रहे थे लेकिन वो हर जाविये से, इस नुक्कर से, उस नुक्कर से, लंबाई के रुख पे, चौड़ाई के रुख पे। और मोहम्मद हसैन भाई ये देखें, वाह 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 वाह, मोहम्मद हसैन भाई लगे लगे लगे, बोर्ड की चीखें निकलवा रही है आपने। बोर्ड भी कहते होंगे कि हम कहां आके फंस गए हैं। मोहम्मद हसैन भाई आपने बॉडी के साथ लगा के नहीं तोड़ना, हाथों की ताकत से तोड़ना है, ये हमारी शर्त है। बोर्ड चेंज करना हो तो वापस दूसरे वाला पकड़ सकते हैं, इसी पे ट्राई करनी है तो इसी पे ट्राई करें। लो जी मुकाबला जारी, हमजा भाई बॉडी से दूर रखें, बॉडी से दूर रखें इसको, वैसे जितना मर्जी जोर लगाएं। लो जी ये मदरबोर्ड ये पता नहीं कब के बने हुए, मेरे ख्याल में इनको मैन्युफैक्चर हुए हुए शायद 15 साल हो गए हों। ये वक्त के साथ साथ भी चीजें कमजोर हो जाती हैं, हालात के साथ साथ इंसान बूढ़ा हो जाता है। ये बोर्ड कब के बने हुए हैं, इनकी जो पायदारी, जो इनकी वारंटी थी वो शायद 10 महीने की थी, 2 साल की थी, 1 साल की थी, वो खत्म हुए कि सालों के साल गुजर चुके हैं, लेकिन मदरबोर्ड अभी तक अपनी ताकत में खड़े हैं। शादमान भाई ने फिर बोर्ड को चेंज किया है, शादमान भाई का पसीना बढ़ता जा रहा है, शादमान भाई ने आज बाजी लगा दी है, बोर्ड नहीं टूटे पहलवान टूट गए। और शादमान भाई कहते हैं आज यहाँ बोर्ड नहीं रहेगा या हम नहीं रहेंगे। शादमान भाई का चैलेंज जो है ना, चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं, कहते हैं कि आज पसीना बहाएंगे और बोर्ड को तोड़ के जाएंगे। मोहम्मद हसैन भाई कहां तक पहुंच गए हुए हैं, वाह 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 वाह, ले गया मोहम्मद हसैन ले गया। मोहम्मद हसैन भाई ने एक कार्नर को टेढ़ा कर दिया हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि तीनों को पानी की जरूरत पड़ गई है। ये फोकस कीजिएगा, ये हमजा भाई का पसीना, ये देखें ये पसीना नजर आ रहा है, बाहर नजर आना शुरू हो गया है। ये देख लें कि अभी मौसम इतना हार्ड नहीं है और ये छांव में खड़े हैं तीनों बंदे, धूप में नहीं खड़े, छांव में खड़े हैं और ये ऐसे टेम्परेचर में है कि जहां पे मैं भी खड़ा हूं। ये मुझे फोकस कीजिएगा, कोई पसीना, कोई बात, कोई गलबात नहीं है, लेकिन तीनों बंदे, मोहम्मद हसैन भाई का पसीना तो नजर नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। और ये देखें डोला, मोहम्मद हसैन भाई का डोला, वाह, ये मेरे डोले से 5 मेरे डोले हो तो मोहम्मद हसैन भाई का डोला बनता है, लेकिन मेरे से 5 गुना बड़ा डोला भी बोर्ड के आगे फेल हो गया है। वाह वाह वाह, और मुझे लग रहा है कि पहलवान सुस्त पड़ते जा रहे हैं, अब उनको नाकामी नजर आ रही है। तो उन्होंने एक दफा शादमान भाई ने तो बोर्ड नीचे रख दिया है, पसीना अपना माथे से साफ किया है। मुझे लगता नहीं कि ये मुकाबले से दस्तबरदार हो गए हैं या इन्होंने रेस्ट ली है। आपको पानी चाहिए, हम पानी देते हैं, आपने बैठ के रेस्ट करनी है, आपको दोबारा टाइम देते हैं, फिर जोर लगाएं जितना लगता है जोर लगाएं। आज उनकी बनाई हुई चीजों को हमने तोड़ के छोड़ना है। सर मैं दस, वाह 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 वाह, शादमान भाई ने अपनी नाकामी का ऐलान कर दिया है, कहते जी मैं इससे बाज आया, ये मुझसे नहीं टूट रहे। अभी शादमान भाई इधर ही रुकिएगा, ये जब दो बंदे थक जाएंगे, बिल्कुल फारग हो जाएंगे, तो फिर इनको देखते हैं मजीद ये क्या कहते हैं। शादमान भाई रेस्ट कर रहे हैं, ये पानी का गिलास दीजिएगा जरा, इनको पानी दे, पानी पी लें। ये जोर लगा, देखिए जोर इन्होंने बेशक बहुत ज्यादा लगाया, इसको जरा फोकस कीजिएगा। ये देखिए
ये बोर्ड की हालत देखें, ये शाह भाई जरा इसको फ्रेम में लेके आए, ये बोर्ड देखें कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये इसकी शक्ल चेंज हो चुकी है, ऊंचा नीचा हो गया है, टेढ़ा हो चुका है, लेकिन ये अपनी अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, मतलब टूट नहीं रहा, टेढ़ा हो गया वहां आके रुक गया। ये अब्दुल भाई के हाथ में जो था, ये देखें हसैन भाई के हाथ में ये बोर्ड का क्या हालात है, ये बोर्ड ऐसे हो गया जैसे कुछ और चीज है ये, लेकिन शायद आप उसमें केसिंग में फिट करना भी मुश्किल हो जाए, लेकिन टूटा फिर नहीं है, शक्ल इसकी चेंज हो चुकी है, टूटा नहीं है ये। फिर भी सैन भाई आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, अभी और जोर लगाना चाहते हैं, पसीना आपका भी बह रहा है अब। अच्छा सैन भाई ने भी अपनी नाकामी का ऐलान कर दिया, बैठ जाए। अब हमजा भाई लगे हुए हैं, इन्होंने बोर्ड की जगह शेप देखें, बोर्ड की क्या शेप हो गई, बोर्ड की शेप क्या हो गई है। अब हमजा भाई का इंतजार है कि वो हमें वाह 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 वाह। अब देखें कि बोर्ड बिल्कुल घूम गया है, बिल्कुल घूम गया है, ये बोर्ड की शक्ल बिल्कुल स्ट्रेट थी, बिल्कुल सीधा था, ऐसे सीधा था, इस पे कम जोर लगा थोड़ा सा, ये टेढ़ा है, तो ये देखें ये क्या बन गया, लेकिन ये टूटा नहीं है। अब हम ये तीन हमारे जो पार्टिसिपेंट थे बैठे हमजा भाई, तीनों के व्यूज लेते हैं कि अब ये बारी बारी बताएंगे कि इन्होंने कितना जोर लगाया और क्या फील किया कि ये क्यों नहीं टूट रहे और कैसी इनकी मजबूती है। शाह भाई तीनों का जरा बारी बारी तीनों से इनके व्यूज लीजिए। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, आपका व्यू क्या है बताएं जरा। बहुत मजबूत है ये, बड़ा जोर लगाने के बावजूद बस टेढ़े हुए हैं, टूटा नहीं है, गिलाफ को गिलाफ। और शाहजमान भाई आप क्या बताएंगे, आप तो बड़े पहलवान है यार, क्या बना है आपने तो थोड़ा ही नहीं मदर बोर्ड, मैं तो देख रहा था आप पसीनो पसीनी हो गए हैं, पर आपसे ना मदर बोर्ड ही टूटा एक नहीं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी, इसमें ये प्लास्टर जो है वो बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी या बहुत ही, इसमें कोई और ना कोई केमिकल्स लगाए थे जो प्लास्टर को देर पार लेके जा रहा है और उसको लचक इतनी दे रहा है कि हम उसको फोल्ड कर रहे, प्रेशराइज कर रहे थे एक पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहे थे, टूटे किसी न किसी एक एक्सल पे आके, बट वो टूट नहीं रहा, अलबत्त वो वहां से टर्न हो रहा था या वो हाथ से स्लिप हो रहा था बार बार। सही, अच्छा सहन भाई आपके तो डोले सबसे बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े डोले लेके बैठे हैं यार, कुछ जिम शुम भी करता होगा भाई, भाई यार मतलब वो टूटे नहीं आपसे। मैंने चारों कोनों को पकड़ के एक एक साइड से दबाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं टूटा, तो इससे पता लगता है कि ये काफी मजबूत बनाए हैं। अच्छा यार डोलों शुलों का क्या करना है, इतने बड़े बड़े रखे, एक मदर बोर्ड ही टूटा यार आपसे सहन भाई, क्या बात है, खाते पीते नहीं हो साथ, खाते पीते हैं, जोर तो अपनी तरफ से लग रहा है आप बहुत खाते पीते हो गए, पर यार मदर बोर्ड ही टूटा आपसे, जोर बड़ा लगाया। अच्छा विवर्स, ये आपने छोटा सा कंपटीशन देखा, देखें ये तीनों भाई जो है इन्होंने एक ही बात बताई है, मतलब वर्ड्स इनके डिफरेंट है लेकिन ये एक ही बात बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से जोर पूरा लगाया है, लेकिन ये सिंपल प्लास्टिक नहीं है, इसमें कोई ना कोई चीज ऐसी शामिल है कि जितना वो जोर लगाते हैं वो उसकी शेप चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं, बोर्ड टेढ़ा हो जाता है लेकिन बोर्ड टूटता नहीं है, यानी तीनों ने एक ही बात की है कि इसमें कोई ऐसी चीज है कि जो प्लास्टिक के अलावा इसमें ऐड है जिसने इसको बहुत ताकत दे दी है, और तीनों बंदे यही बात कर रहे हैं कि हम जो ना लाजमी में मारेंगे, हमने कहा ये क्या चीज है, हम तो ऐसे करेंगे ये टूट जाएगा, तो ये नहीं टूटा। तो विवज आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये इन बंदों ने पूरा जोर लगाया, क्या आप जोर लगा के तोड़ सकते हैं, तो अपने अपने व्यूज का आधार, अपनी राय का आधार कमेंट्स में कीजिएगा। पाशा कंप्यूटर के नाम से हमारा जो ये कंप्यूटर का चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ये आपके लिए हमने वीडियो बनाई है ताकि आपको न्यू बंदों को घर में बैठे लोगों को पता चल सके कि मदरबोर्ड एक्चुअली क्या चीज है, इसकी ताकत क्या है। ये याद रखें कि ये इस तरह टूटा नहीं है, इससे इसकी परफॉर्मेंस का पता नहीं चल रहा, हमने सिर्फ इसकी मजबूती का पता लगाया है। अब जो टूटा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि ये आइन आइन है या मतलब ये स्पीड बहुत ज्यादा होगी और इसमें कोई 50 GB रैम लगी हुई है, 100 GB रैम लगी हुई, बहुत बढ़िया, इसका ये मकसद नहीं है, ये सिर्फ हमने इसकी ताकत चेक की है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं हम।
out there, yeah, man.